हेलो डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, आज की बड़ी खबर के बारे में। दो अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कंप्लीट जानकारी के लिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान पेपर के आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे निकल के आ रही है कि सिपाही बहाली के अभ्यर्थियों का धरना। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे सिपाही नियुक्ति की मांग को लेकर JDO कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली तरीके से बताना चाहूँगा, अभी जो है सिपाही बहाली अभ्यर्थियों ने JDO कार्यालय के सामने सड़क पर जो है शनिवार को प्रदर्शन किया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट होने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी बहाली नहीं की जा रही है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे, जबकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अभी जो है अभ्यर्थियों ने सरकार पर जो है नपाक्षतापूर्व बहाली किए जाने का आरोप लगाया है। और इस दौरान जो है इनकम टैक्स से लेकर आर ब्लॉक तक जाने वाली सड़क का जो है ट्रैफिक करीब एक घंटे तक बंद रहा। तो जाम की जानकारी जो है कोतावली पुलिस को जो दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को जो है पहले समझाने का प्रयास किया, उसके बाद महिला पुलिस बल को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे SSP लॉ एंड ऑर्डर सोन प्रभात ने जो है सभी सिपाही अभ्यर्थी को थाने ले गई और सड़क खाली कराया। इसमें जो है महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। तो SP का कहना है कि किसी के खिलाफ जो है केस दर्ज नहीं किया है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, ये बहाली मैटर जो है 2009 की है, जो कि आप लोग को बताना चाहूँगा। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे मामला जो जुड़ा है करीब 10 साल पुराना है। साल 2009 में ही बिहार सरकार ने विज्ञापन संख्या 02/2019 के जरिए 10,110 सीटों पर सिपाही बहाली के लिए वैकेंसीज निकाला था। शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद 15 जनवरी 2021 को जो है नए सिपाही बहाली कर दी गई है, लेकिन बगैर किसी कारण के महिला पुरुष समेत 775 अभ्यर्थी को बहाल नहीं किया गया। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने भी बहाली के आदेश दिया था, लेकिन 2017 का इनका जो है LPA भी हो गया है। 13 मार्च 2018 को DGP गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से भी कोई इन्हें जो है बहाल करने का एक आदेश जारी किया गया था, बावजूद बहाली अब तक नहीं हुई। उसी को लेकर धरना प्रदर्शन, अपनी जो है नियुक्ति को लेकर यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है इन अभ्यर्थियों द्वारा, जो कि सही है। बिहार सरकार जो है शिक्षा विभाग के मामले में ऐसे लापरवाही जो है देखने को आप लोग को मिल रहे हैं, और भी आगे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ये जो है अपडेट थी बिहार सरकार की तरफ से सिपाही बहाली को लेकर। तो सिपाही बहाल से रिलेटेड अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया, लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह और भी आगे जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।